नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनुअल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने सूबे के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को धीरे से दिया है जोर का झटका। बता दें कि बिजली विभाग ने इस साल के आखिरी महीने तक 47 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के भुगतान को जारी रखने का लिया है फैसला। 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक जो लगाया गया था फ्यूल सरचार्ज, गैर कृषि उपभोक्ताओं और 200 यूनिट प्रतिमाह के खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर अब 4 महीने तक लगना रहेगा जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के शहरी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दी है बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान कि नगर पालिका निगमों और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1,000 से 2,000 रुपए की है बढ़ोतरी। सीएम नायब सैनी ने की घोषणा कि शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1,000 रुपए की गई है बढ़ोतरी, वही ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में भी 2,000 रुपए की गई है बढ़ोतरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जननायक जनता पार्टी 5 जुलाई से हर जिले में करने जा रही है कार्यकर्ता सम्मेलन। एक दिन में 2-2 जिलों के होंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा ने जहां संगठन का नए सिरे से गठन करने का लिया है निर्णय, वही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत दावेदारों की भी इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी करेगी खोज। हरियाणा विधानसभा में उप सचिव के पद पर चयन को अंतिम रूप देने से दिया गया है रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई है ये रोक। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। साथ ही 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है मामले की अगली सुनवाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेने के लिए दावेदारों को चुकानी होगी फीस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सामान्य श्रेणी के दावेदारों के लिए 20,000, एससी श्रेणी के लिए 5,000 रुपए तय की है फीस। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी 5 रुपए की रखी है राशि। अब उन्हीं नेताओं के नाम पर पार्टी करेगी मंथन जो फीस के साथ करेंगे आवेदन। तुरंत फरलो पर रिहाई की मांग को लेकर दाखिल राम रहीम की अर्जी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे तत्काल किसी राहत से इनकार करते हुए अर्जी पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। अब इसी अर्जी पर राम रहीम की पैरोल को लेकर लंबित याचिका के साथ होगी सुनवाई। करनाल के घरौंडा क्षेत्र के कुटेल गांव में एक क्राइम ब्रांच के एसआई की एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या। शाम को अपने घर के सामने टहल रहे थे एसआई, तभी अचानक आए बाइक सवार चले गए। गोली मारकर घायलावस्था में एसआई को ले जाया गया करनाल के निजी अस्पताल, जहां उन्हें मृत कर दिया गया घोषित। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हरियाणा सरकार ने स्टील प्लस 4 मंजिला निर्माण को दे दी है मंजूरी। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने किया यह फैसला। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को भी किया गया शामिल। जो भी इनको करेगा पूरा, उसको स्टील प्लस 4 मंजिला भवन निर्माण बनाने की दी जाएगी इजाजत। जमीन की खरीद फरोख्त में बड़ी कंपनियां भी किस तरह करती हैं धोखाधड़ी, इसका हरियाणा के गुरुग्राम से सामने एक बड़ा उदाहरण। यहां एमआर इंडिया नामक कंपनी ने ग्रीन पार्क की जमीन को प्राइमरी स्कूल का प्लॉट बताकर दिया बेच। इसके बारे में बायर कंपनी को लगभग 3 साल बाद चला पता। जब वह पास कराने गई इसका नक्शा, इससे पहले वह ले चुके थे तमाम अप्रूवल। हरियाणा में मानसून ने पूरे हरियाणा को कर लिया है कवर। हालांकि इसके बाद भी लोगों को गर्मी से नहीं मिल पा रही है राहत। मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं इसकी वजह कि प्रदेश में 28 जून को पहुंचा था मानसून, लेकिन इसके बाद भी 6 दिन में अब तक 38.3 mm ही बारिश हुई है दर्ज, जो सामान्य से 37% है कम। यही वजह है कि तेजी से बढ़ रही है उमस। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनुअल लाइव।